काका, हमें हमारी गेंद वापस दे दीजिए। गेंद वापस चाहिए? ले लो। वैसे भी ये मेरे किसी काम की नहीं। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और इनसे तो भगवान भी नाराज नहीं हो सकता। शौच शांति राजो ज्ञान विज्ञान मस्तिष्क ब्रह्म कर्म स्वभावजम अर्थात पुजारी को भीतर से और बाहर से पवित्र रहना चाहिए, रखना चाहिए। पर तुम जैसे फकीर को यह बात समझाना मूर्खता सिद्ध होगी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने केवल शुद्धि के बारे में नहीं कहा है, शांत चित्तता, अंतर मन पे नियंत्रण, क्षमा भाव और ज्ञान भी उतने ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर ज्ञान होगा तो अंतर मन पे नियंत्रण होगा, और जब अंतर मन पे नियंत्रण होगा तो क्षमा भाव भी जरूर होगा, और हां बची बात शुद्धि की, तो शुद्धि केवल वाह नहीं है, अंतर मन भी शुद्ध होना चाहिए। मतलब बाहर के कारणों से अप्रभावी, पर अगर बच्चों के खेलने से, उनके शोर से मन प्रभावित होता है और क्रोध आ जाता है तो अंतर मन पे कैसा नियंत्रण, कैसा क्षमा भाव और कैसी शुद्धि। तुम एक फकीर हो, है ना, और मुझे शास्त्रों का ज्ञान और श्लोकों का अर्थ समझाने की कोशिश कर रहे हो। वैसे तुम हो कौन? पंडित तो तुम हो नहीं, वेद पुराण पढ़ने की तुम्हें अनुमति होगी नहीं, और मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो। चार गांव के लोग
शास्त्रों का अनुसरण सीखने के लिए मेरे पास आते हैं। और तुम? देखने से तो भीख मांगकर अपना उदर निर्वाह करते हो ऐसा लगता है। और मुझसे शास्त्रार्थ कर रहे हो? ये साई है और आप इस तरह से साई से बात नहीं कर सकते। अच्छा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? इस मारुति मंदिर का नया पुजारी। काशी प्रयाग की यात्रा पर निकलने वाला था मगर महासपति के कहने पर यहां आया। इस मंदिर के लिए, इस गांव के लिए। मगर मंदिर में प्रवेश करते ही बच्चों ने मुझे अशुद्ध कर दिया, अपवित्र कर दिया। तुम लोगों को इन बच्चों ने जो मुझसे दुर्व्यवहार किया है उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए थी मगर नहीं। मैंने इन बच्चों को उनके दुर्व्यवहार को लेकर डांटना चाहा तो ये फकीर आ गए उनका पक्ष लेने। और इस फकीर से जब मैंने इन बच्चों की गलतियों के बारे में बताना चाहा तो तुम लोग आ गए फकीर का पक्ष लेने। बड़ा विचित्र गांव है ये। क्या इस गांव के पुजारियों के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है? इस गांव में आकर मैंने कोई गलती तो नहीं की? पुजारी काका, हम लोग आपसे माफी मांग रहे हैं। बच्चों को अपनी गलती का एहसास है इसलिए इन्हें माफ कर देना चाहिए, क्योंकि क्षमा कर देना भी तो पुण्य का काम ही है, है ना? ये लो बच्चों, खेलो जाकर। पर हां, मारुति मंदिर से दूर जाकर। शुक्रिया भाई। चलो चलकर खेलते हैं। हम शिरडीवासी आपके बहुत आभारी हैं जो आप हमारे गांव में आए। आपसे कुछ अच्छी ज्ञान की, शास्त्र की बातें हम सब भी सीख सकेंगे। अब शास्त्रों का ज्ञान पाने की योग्यता सब में नहीं होती फकीर। प्रणाम सदाशिव भाव। प्रणाम वहिनी। भाव, ये आप क्या कह रहे हैं? शिरडी में हम सब साई को अपना गुरु मानते हैं। ये फकीर और गुरु ऐसे अज्ञानी को। भाव, आप बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं। चलिए घर चल के पहले आराम कर लीजिए। चलिए ना। आइए भाऊ, आइए।
आइए आइए भाऊ। अरे अरे क्या कर रही हो तुम? देख के चलो ना, इसमें शिवलिंग है, पता है ना? शिवलिंग लेके चल रही हो, संभल के चलना चाहिए ना। आओ आइए। वैसे तो मैं प्रयाग जाने वाला था जी, पिताजी की अस्थियां विसर्जित करने के लिए, और इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो वैद्य जी ने कहा कि शिरडी का वातावरण बड़ा अच्छा है, शायद इसकी तबीयत ठीक हो जाए वहां, तो महीना भर यहाँ रह लूंगा, और तुमने बुलाया है मारुति मंदिर के लिए जी, तो महीने भर बाद हम यात्रा पर चले जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाऊ, शिरडी में आकर सबकी समस्या हल हो जाती है, और आप देखना वहीनी भी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। पर मुझे तो शिरडी का वातावरण कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या मतलब भाऊ? देखो महासभापति, बुरा मत मानो, तुम मेरे छोटे भाई हो, मगर तुम उस फकीर को अपना गुरु कैसे मान सकते हो? अगर गुरु बनाना है तो काशी जाओ, मथुरा जाओ, बड़े बड़े प्रकांड पंडित है वहां पर, उनमें से किसी को गुरु बनाओ। इस गांव में अगर गुरु बनने लायक कोई है तो वो तुम हो, क्योंकि इस गांव के मंदिर के पुजारी हो तुम, तुमको गांव वालों का मार्गदर्शन करना चाहिए, पर नहीं, तुम उस फकीर को अपना गुरु बनाए बैठे हो। शिव शिव शिव। आप साई को नहीं जानते भाव, जब जानेंगे तो आप भी उनके भक्त बन जाएंगे। आइए। आ गए भाऊ। यमुना यमुना, देखो कौन आया है। सदाशिव काका। बाहर आओ। प्रणाम काका, प्रणाम काका। अरे यमुना, कितने साल बाद तुझे देखा। कितनी स्वस्थ और खुश लग रही है, दामाद जी बड़ा ख्याल रखते हैं तुम्हारा। मार्टिन कहाँ है? अंदर है काकी, आइए आइए। भाऊ, सुरंदा, पहले शिवलिंग मंदिर में रख देना। आइए भाऊ, अंदर चलते हैं। नहीं, घर में प्रवेश करने से पहले हाथ मुंह धो लेता हूं, बच्चों ने वस्त्र खराब कर दिए। अवश्य आइए, ये मुझे दे दीजिए। बिल्लो, चल अंदर चल के पढ़ाई कर, दिन भर खेलना है, पढ़ाई जरा भी नहीं, चल अंदर चल। नहीं, अब मुझे और खेलना है। बदतमीज, पलट के जवाब देता है। बाबा, अभी तुझे बताता हूँ, देखता हूँ कि तू कैसे अंदर नहीं चलता और पढ़ाई नहीं करता। चल। बाबा मुझे छोड़िए, बाबा, बाबा मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आगे ना कर ठिकाने, तुम्हारे जैसा निकम्मा बच्चा पूरे गाँव में नहीं होगा। छोड़िए, दुष्ट, दांत काटता है, मार मार के तेरी खाल उधेड़ दूंगा। रुक जाइए, ये क्या करने जा रहे थे आप? साईं, इसका मन बहुत बढ़ गया है, सिर्फ अपने मन की चलाता है, मेरी सुनता ही नहीं, ना पढ़ता है ना काम करता है, और कुछ कहो तो पलट के जवाब देने लगा है। ये लो, अब बाहर जाकर खेलो। साईं, आपने उसका पक्ष लिया, आपने उसे बाहर खेलने क्यों जाने दिया?
क्योंकि मैं आपको अकेले में ये बताना चाहता था कि आप अपने बेटे को सही राह पर कैसे ला सकते हैं। अच्छा बताइए ना साईं, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, कोई जबरदस्त तरीका बताइए इसको ठीक करने का। ये लीजिए खाइए इसे। पर ये तो नीम के पत्ते हैं। नीम के इन कड़वे पत्तियों को खाने से मेरा बेटा ठीक कैसे हो जाएगा? मन में साई के क्या है कौन जान पाए, ओम साई ओम साई ओम साई ओम। ले पकड़। मेरा बच्चा। काकी आप यहाँ बैठिए, तब तक मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। मार्टिन तू खेल। शिव 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 शिव। मार्तंड मार्तंड मार्तंड, क्या हुआ? कहाँ लगा बेटा, कहाँ लगा दिखा, कहाँ लगा मार्तंड दिखा मुझे, दिखा। सुनंदा ये क्या है? शिवलिंग को तुम इस तरह कैसे रख सकती हो? क्या हो गया है सुनंदा तुम्हें? सुबह से कोई ना कोई गलती करती ही जा रही हो। मैं इसलिए अनदेखी कर रहा हूं क्योंकि तुम अस्वस्थ हो। ढील देने का ये मतलब नहीं है कि तुम लापरवाह हो जाओ। ये देखो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता सुनंदा अगर शिवलिंग गिर जाता तो। भाऊ गिरा तो नहीं है ना, अब जाने भी दीजिए ना। ये ठीक ही तो कह रहे हैं, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ध्यान रखूं, लेकिन फिर भी मुझसे गलती हो जाती है। गिर जाता तो मुझे ही पाप लगता ना। लगता है कि मुझे नरक की अग्नि से कोई नहीं बचा सकता। मेरी पत्नी को क्षमा करना। लीजिए। Thank you.
ये आपके कपड़े। दवाइयां ली? देखो सुनंदा, तुम्हारी प्राथमिकता तुम्हारा स्वास्थ्य होना चाहिए। मैंने महाराजा से बात कर ली, यमुना घर का काम संभाल लेगी, तुम आराम करना। महाराजा, लेकिन हां, मेरी पूजा की सारी तैयारियां तुम्हें ही करनी, क्योंकि सिर्फ तुम्हें पता है कि पूजा की सामग्री मैं किस क्रम में चाहता हूं। आखिर इतने सालों से कर रही है जी। और हां, यमुना से पूछ लेना पूजा की सामग्री तुम्हें कहां मिलेगी। और कल सुबह सूर्योदय के समय जब मैं स्नान करके लौटूंगा तो पूजा की सारी सामग्री मुझे तैयार मिलनी चाहिए, इसलिए सूर्योदय से पहले ही तुम्हें उठ जाना है, ठीक है? लेकिन भाऊ, इतनी सुबह सुबह? क्यों नहीं, मेरा पूजा पाठ कर्मकांड सब कुछ सुनंदा के लिए ही तो है। देखो महाराजा, हम दोनों पुजारी हैं जी, हम भगवान की पूजा करके अपने हिस्से का पुण्य तो अर्जित कर ही लेते हैं, पर इन औरतों का क्या? ये तो ज्ञानी नहीं होती, पूजा पाठ करके इनके हिस्से का पुण्य तो हम कमाते हैं। लेकिन ये पूजा की तैयारी तो कर ही सकती है ना। देखो मार्सा, हमें औरतों को सेवा शुश्रूषा करने से रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि यही तो उनके जीवन का उद्देश्य है ना? लेकिन भाव, ये बात तो ठीक ही तो कह रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है तो सच ही होगा। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरे साथ मेरे पति है, जो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अरे मैं तो भूल ही गई, मैं आप सब लोगों के लिए करंजी लाई थी। काकी के हाथ की करंजी खाई है कभी? खा के देखो, बहुत मजा आएगा। खाओ खाओ। औरतें अपने दम पर पुण्य अर्जित नहीं कर सकती है, क्या स्त्रियां पूजा नहीं कर सकती है? साईं कहते हैं भगवान के लिए किसी भी जीव में कोई अंतर नहीं होता, फिर काका ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? साईं, आपने क्यों खिलाई इतनी नीम की पत्तियां? कुछ भी नहीं रहा पेट में, सब कुछ निकल गया। और नीम की पत्ती खाकर मेरा बेटा मेरी बात कैसे सुनने लगेगा? ये बात आप मुझसे पूछ रहे हैं, जबकि ये उपाय तो मैंने आपसे ही सीखा है। मुझसे? ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूं, अभी कुछ ही देर पहले कड़वे वचन बोलकर आप अपने बेटे को सुधारना चाहते थे, और ये भी यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपका ये तरीका नया नहीं है, पुराना है। पर आपका ये तरीका काम तो नहीं कर रहा है, और इसीलिए बिल्लू को अनुशासन में लाने के लिए आप उसे कड़वी मजबूत तगड़ी खुराक देने की तैयारी में थे, ठीक वैसी ही जैसा कि ये नीम है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए,
कड़वे वचन बोलने से केवल माहौल खराब होता है, गलतफहमी पैदा होती है। इससे किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जैसे ये कड़वा नीम खाकर आपने वमन कर दिया और आपके पेट में जो कुछ भी अच्छा था वो आहार भी बाहर निकल गया। वैसा ही बच्चों के साथ होता है। वो हमारे कड़वे शब्दों को पचा नहीं पाते हैं, वमन कर देते हैं, और उस वमन के साथ उनके अंदर जो कुछ भी अच्छा होता है, मतलब अच्छे विचार होते हैं, वो भी बाहर निकल जाते हैं। भले ही आपका इरादा बच्चे की भलाई का हो, पर आपके कड़वे शब्द आपके प्रति उसके मन में नकारात्मकता का भाव पैदा करते हैं। इसलिए बच्चे से हमेशा प्यार से, प्रेम से, स्नेह से पेश आइए। सब समझ गया साईं, करता भी तो क्या करता, मैंने अपने पिता से सीखा है। अब मुझे याद आता है पिताजी की कड़वी बातें मुझे कितनी खराब लगती थी और मैं दुखी हो जाता था। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा बेटा इसी कड़वाहट के साथ बड़ा हो और अपने बच्चों के साथ भी ऐसा व्यवहार करे। बिल्लू बेटा मेरे पास आओ। बेटा खेल के साथ पढ़ाई भी जरूरी है, बहुत देर खेल लिया ना तुमने, अब अंदर जाओ पढ़ाई करो। मन लगा के पढ़ाई करोगे ना तो आज शाम को तुम्हें घुमाने ले चलूंगा। जी बाबा। ठीक है अब जाओ पढ़ाई करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साईं। राम जी भला करें। शिव 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 शिव। शिव 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 काकी इतनी जल्दी उठ जाती है। क्षमा करो बजरंगबली, क्षमा करो, गलती हो गई, क्षमा करो बजरंगबली, क्षमा कर दो काकी, क्षमा करो। जमाई लेने पे अपने भगवान से माफी क्यों मांगी, ये तो स्वाभाविक है ना। पर ये भी तो सोचो बजरंगबली क्या सोचेंगे कि सुनंदा उसकी सेवा करते करते थक गई।
अरे वाह, आज तो तुमने कोई गलती नहीं की। अच्छा है, अभी तुम विश्राम करो, मैं मंदिर चला जाता हूँ। भाव, हाँ चलिए मैं आपको मंदिर छोड़ देता हूँ। हाँ चल, आइए। भाव, ये दोनों आपके सहायक हैं। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। मैंने आज ही इन दोनों को आपकी सहायता के लिए रखा है। मंदिर की साफ सफाई और व्यवस्था बनाए रखने में ये दोनों आपकी मदद करेंगे। ये अच्छा हुआ, गांव में कोई तो अपनी स्वेच्छा से प्रभु की सेवा करने के लिए तैयार हुआ है। देखिए, प्रभु की सेवा में कोई भी कमी, कोई भी चूक मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। पूजा का हर कार्य विधि पूर्वक और शास्त्र संगत होना चाहिए। मेरी धर्म पत्नी सूर्योदय के पहले ही उठ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पूजा की सामग्री जमा करनी होती है, उसकी तैयारी करनी होती है। कल सुबह से आप लोग सूर्योदय के पहले मेरे घर पहुंच जाएंगे और पूजा की सामग्री यहां मंदिर पर ले आएंगे। मेरे मंदिर पहुंचने से पहले। जी पंडित जी, आप निश्चिंत रहिए, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। शिव शिव शिव। ये क्या कर रहे थे आप? तिलक लगा रहा था। रोज ऐसी ही पूजा करते हैं? हाँ। भगवान की सेवा करने का अधिकार सिर्फ पुजारी का होता है। मनुष्य और भगवान को जोड़ने का माध्यम पुजारी है। आपकी प्रार्थना, आपका चढ़ावा, वो प्रभु तक पहुंचाने के लिए मंत्रोच्चार करने पड़ते हैं, अनुष्ठान करने पड़ते हैं, और वो सिर्फ पुजारी ही कर सकता है, और कोई नहीं। ऐसा है क्या? आपसे पहले जो पुजारी यहां की व्यवस्था देखते थे, उन्होंने तो हमें कभी बताया नहीं, ना मानसापति जी ने कभी ऐसा कुछ कहा। देखो, जितनी जल्दी हो सके इस जगह को घेर दो, और जो भी भक्तगण आएंगे वो कतार में आएंगे और मेरे द्वारा ही पूजा संपन्न करेंगे। ठीक है? जी पंडित जी। रुकिए, आप लोग अपने पादत्राण अपने घर पर छोड़कर आएंगे। क्या हुआ? आश्चर्य से क्या देख रहे हैं? भगवान आपके लिए इतना कुछ करते, आप नंगे पांव थोड़ी दूर तक प्रभु के लिए चलकर नहीं आ सकते? बताइए,
संभाल सपते। जी भाऊ। तुम यहाँ की व्यवस्था संभालते थे ना? जी। इसमें घी क्यों है? तिल का तेल होना चाहिए ना? जी भाऊ। तो फिर ओ भाऊ, कल मैं जब यहाँ आया तो जल्दबाजी, सब कुछ गलत हो रहा है यहाँ। अच्छा हो गया मैं यहाँ पर आया। मुझे यहाँ आकर एक दिन हुआ है, सिर्फ एक दिन, और इतने कम समय में मैंने ये जाना, मैंने ये पाया कि यहां शिरडी में कोई भी कार्य विधि विधान शास्त्र सम्मत नहीं हो रहा है, और शायद इसीलिए भगवान ने मुझे यहां भेजा है। इसके बाद मैं ध्यान रखूंगा। मैं इस मंदिर का पुजारी हूं, रखवाला हूं, और साथ ही धर्म संरक्षक भी। आज के बाद यहां पर हर कार्य शास्त्रों के बनाए हुए नियमों के अनुसार ही होगा, क्योंकि यही एक विकल्प है अपने पापों से मुक्ति पाने का, यही एक उपाय है भगवान को प्रसन्न करने का, जो कि इस वक्त बहुत क्रोधित होगा, खिन्न होगा, क्योंकि यहां शिरडी के लोग, यहां के भक्त पथ भ्रष्ट होकर धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, शास्त्रों की अवहेलना कर रहे हैं, प्रथाओं की उपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। सब कुछ, यहां की सारी पुरानी परंपराएं बदलेंगी। हर कार्य शास्त्र के नियमों के अनुसार ही होगा, और वो मैं करूंगा। Thank you.
ये मेरे कपड़े अचानक इतनी जल्दी कैसे सूख गए? ये लीजिए, पी लीजिए इसे। अब कैसा लग रहा है? बिल्कुल ठीक लग रहा है साई। आओ मेरे साथ बैठो। पर तुम्हारी ये हालत हो कैसे गई थी? पापी पेट जो कराए करना पड़ता है साई। 2 दिन से काम की तलाश में भूखा भटक रहा हूं, न रोटी मिली न काम। आज फिर काम की तलाश में घर से निकला था, अचानक बारिश शुरू हो गई। भीगता भागता एक घर के सामने जाकर रुक गया। अरे मनोहर, बारिश में गर्मा गर्म पकौड़ा खाने का मजा ही कुछ और है। पकौड़े बहुत अच्छे बने हैं भाभी, और ले आओ। हाँ साहेब, साहेब, क्या हुआ? साहेब कोई काम मिलेगा? 2 दिन से कुछ खाया नहीं, बड़ी भूख लगी है। अब इतनी बारिश में तुझे क्या काम दूं? मैं कुछ भी कर लूंगा साहेब। छत ठीक करवानी हो, घर की सफाई करवानी हो, या बाजार से सामान लाना हो, मैं कुछ भी कर लूंगा साहेब। बारिश मेरे काम के आड़े नहीं आएगी। मगर बारिश में तू काम कैसे कर पाएगा? पेट थोड़ी ना मौसम देखता है साहेब, वो तो बस रोटी मांगता है। मजबूरी है साहेब, इसलिए मिन्नत कर रहा हूँ, कोई भी काम दे दीजिए। मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि मौसम का तुझ पे कोई असर नहीं होगा? चाहे कितनी भी बारिश हो, चाहे कोई सा भी मौसम हो, तू कभी भी कोई भी काम कर सकता है। और बीमार पड़ गया तो? और काम छोड़ के भाग गया तो? नहीं साहेब, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं भागूंगा नहीं, मैं किसी भी परिस्थिति में काम कर सकता हूँ साहेब। अरे मनोहर, बारिश का मजा लो, कहाँ उससे बहस कर रहे हो, हकाल दो उसे। कोई भी काम दे दो साहेब, कुछ भी, मैं कर लूंगा साहेब। यकीन ना हो तो शर्त लगा लीजिए। शर्त? देखा मनोहर, मुंह लगाने का ऐसा अंजाम होता है। अरे जिसकी खुद की खाने की औकात नहीं, वो तुमसे शर्त लगाने की बात कर रहा है। अरे अपनी हालत तो देख तू, अगर शर्त हार गया तो तू क्या देगा? गरीब की जुबान ही उसकी पूंजी होती है साहेब, मैं कह रहा हूँ ना, मैं हारूंगा नहीं। ठीक है, अब तो मुझे भी देखना है कि तुझ में कितना दम है। तुझे बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस खड़े रहना है वहां इस बारिश में। मैं भी देखना चाहता हूं कि तू कितनी देर तक बारिश में खड़ा रह सकता है। और हाँ,
तुझे ना तो खुद को किसी चीज से ढकना है और ना ही कहीं से गर्मी लेनी है। अगर बारिश खत्म होने तक तू खड़ा रहा तो मैं तुझे सोने के दो सिक्के दूंगा। ठीक है साहेब, आप जैसा कहेंगे मैं कर लूंगा, मुझे तो बस पैसों से मतलब है। लगभग आधा पहर बारिश होती रही साईं, और मैं खुले आसमान के नीचे खड़ा भीगता रहा। मेरा शरीर जवाब दे चुका था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं मानी। फिर तो वादे के मुताबिक मनोहर ने तुम्हें दो सोने के सिक्के दिए होंगे। नहीं साईं, जब बारिश रुकी तो उन लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं कैसे इतनी देर तक खुले आसमान के नीचे बारिश में खड़ा रहा। तब मैंने उन्हें बताया कि जब मैं भीग रहा था तो मैं उस आग को देख रहा था जो उन लोगों ने जलाई थी, और वो लोग जो पकोड़े खा रहे थे उन्हें देखकर मैं ये कल्पना कर रहा था कि उन पकोड़ों की गर्माहट मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। मैं भूखा नहीं हूं, मैं उन पकौड़ों को खा रहा हूं। यही सोच सोच कर मैं बारिश में खड़ा रहा, और मेरे ये बताने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, यानी तूने इस आग से गर्मी ली और हमारे पकौड़े खाने की कल्पना करके अपनी भूख मिटाई। शर्त के मुताबिक तो तुम्हें कहीं से गर्मी या उष्मा नहीं लेनी थी, इसका मतलब तुम शर्त हार गए। चलो निकलो यहां से। ये तो गलत किया उन्होंने साई। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है भीवा। मनोहर और उसके साथियों के पास जाओ और उनसे कहना कि साईं ने तुम्हें अभी द्वारका माई में दावत पर बुलाया है, और हां इसके अलावा एक शब्द भी मत कहना। जी साईं। साईं, उन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया और आप उन्हें दावत में बुला रहे हैं। सबूरी सरजू, सबूरी। तुम ऐसा करो, बाजार जाकर अपने लिए काम ढूंढो, और जैसे ही काम मिल जाए मुझे आकर बताना। और हां, तुम भी एक बात याद रखना, जैसे उन लोगों ने तुम्हारे हक के पैसे ले लिए, तुम किसी का कुछ मत लेना। ठीक है साईं। कमाल है, साईं से कहा कि मैं दो दिन से भूखा हूं तो उन्होंने मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम।
नमस्कार। प्रणाम भाटी जी। प्रणाम प्रणाम। कैसे चल रहा है विद्यालय? सब अच्छा चल रहा है। नए पंडित जी नियमों के बड़े पाबंद है। कहते हैं आम लोगों को भगवान की मूर्ति छूनी नहीं चाहिए, मूर्ति के करीब जाना नहीं चाहिए। हाँ, महर्षि पति जी ने बताया था मुझे अपने इस भाई के बारे में। कह रहे थे शास्त्रों का बहुत ज्ञान है इन्हें, लेकिन एक बात माननी होगी, मारुति का मंदिर आज से पहले इतना साफ सुथरा कभी नहीं था। हाँ पाटिल जी, और सब कुछ कितना व्यवस्थित है। देखते हैं। पंडित जी, जी ये लीजिए प्रसाद। हमने भगवान से मन्नत मांगी थी कि हमारे पोते को नौकरी लग जाएगी तो हम भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे। अरे वाह। भगवान तो मन्नत पूरी करने के लिए ही होते हैं। शिव शिव शिव। ये कैसा प्रसाद है? ये रोटी के लड्डू है पंडित जी। वो तो मैं देख रहा हूं, लेकिन आपके रोटी के लड्डू मैं नहीं चढ़ा सकता। अगर आपको चढ़ावा चढ़ाना ही था तो आप बूंदी के या बेसन के लड्डू ले आते, या गुड़ की भेली ही ले आते। लेकिन पंडित जी, हनुमान जी को हम रोटी भी तो चढ़ाते ही हैं ना, और मैं तो सालों से मंदिर में यही लड्डू चढ़ाती आई हूं। शिव शिव शिव, घोर अनर्थ। देखिए शास्त्रों में सही सही और साफ साफ लिखा है भगवान को क्या दिया जाता है और क्या नहीं दिया जाता। और ये तो बची हुई रोटी के लड्डू हैं, ये वर्जित है, ये मैं नहीं दे सकता, इससे भगवान क्रोधित हो जाएंगे, भगवान का अपमान होगा। पंडित जी अगली बार से ले आएंगे। अभी बेसन के लड्डू लेने बाजार गए तो आते आते देर हो जाएगी, और वैसे भी हम बाकी मंदिरों में तो यही प्रसाद चढ़ाते हैं। बाकी जगहों पे क्या होता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे मंदिर में सब कुछ शास्त्र सम्मत होगा। पुजारी का क्या कर्तव्य होता है? भक्तों को सही मार्ग दिखाना, विधि को समझाना, है ना? अगर कर्म कांड में गलती हो गई तो प्रभु तो नाराज हो जाएंगे। भगवान ने आपके पोते को नौकरी दिलवाई है, आप लोग लड्डू नहीं चढ़ा सकते? बल्कि लड्डू तो हनुमान जी को बड़े प्रिय हैं। भगवान से डरिए, अगर भगवान क्रोधित हो गए तो आपको, आपके पोते को, आप सबको श्राप दे देंगे। नहीं नहीं पंडित जी, शुभ शुभ बोलिए। आप ठीक कहते हैं, हम ये लड्डू वापस ले जाते हैं और बाजार से बेसन के लड्डू लेकर आते हैं। पाटिल जी, अब मैं निकलता हूँ, बाजार जाकर मुझे कुछ खरीदारी करनी है, बरसात शुरू हो जाएगी तो फिर से मुश्किल हो जाएगी। हाँ, खरीदारी तो मुझे भी करनी है, साथ में चलते हैं। चलिए श्रीकांत जी, चलिए चलिए चलिए।
प्रणाम साईं। प्रणाम साईं। प्रणाम। राम जी भला करें। आप लोगों का स्वागत है, आपकी ही प्रतीक्षा थी मुझे। शुक्रिया साईं, हमें तो जब भीमा ने बताया तो विश्वास ही नहीं हुआ कि आपने हमें दावत पर बुलाया है। आज खिचड़ी खाने का मन था तो सोचा आप लोगों के साथ ही खाई जाए। बहुत अच्छा सोचा साईं, आपके हाथ की खिचड़ी में जो स्वाद है वो तो राजा महाराजाओं के 56 भोग में भी नहीं है। आप लोग वहां बैठ के थोड़ा इंतजार कीजिए, खिचड़ी पकने में भी थोड़ा वक्त है। हाँ हाँ साईं, वैसे भी अभी हमने थोड़ी देर पहले गर्मा गर्म पकड़ों का आनंद लिया है, अभी थोड़ी देर तो इंतजार कर ही सकते हैं। बैठिए। शुक्रिया। मनोहर, पतीला तो वहां जमीन पर रखा है, तो खिचड़ी कहां बन रही है? शायद साईं ने पहले से ही बनाकर रखी हो, आप निकालने के लिए बर्तन जमीन पर रख दिया होगा। और तुझे भूख लगी है क्या है? कितने सारे पकोड़े खाकर आया है, चुप बैठ और इंतजार कर। मुझे कौन सा घर जाके पहाड़ तोड़ना है जो परेशान हो रहा है।